सभी लोग आ गए। अरुषि? यस सर। कल आया था समझ में? यस सर। और किसे किसे समझ में आया था? क्यों, क्या कर दें आज? इसी में पढ़ा देते हैं, व्हाइट बोर्ड ऑन करके ही। ठीक है, मोना पांडे, संचिता, श्रेया, झलक, यस सर। क्या कर रही हो? बोलती क्यों नहीं हो तुम? अभी तो आए हैं सर। अच्छा, और कौन कौन आ गया? सभी लोग तो आ गए। हैप्पी, अनुभव अंश नहीं आए? जॉन्सी, संचिता, श्रेया, यस सर। चलो तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, मुझे पता है। मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, बेकार लोगों से बात वैसे नहीं करनी चाहिए। बेटा बैठी रहती है, बोली क्यों तुम? चलो 90 वाला एग्जांपल किससे किसने कर लिया, किसको नहीं आया? और उसी तुम्हें आ गया? यस सर, आ गया। पक्का ना आया तो समझा दूं मैं? नो सर, आ गया। और सर किसी को वही कुछ पूछना एंगल संख्या, इस एक्सरसाइज में? अभी पूरा एंगल प्रॉपर्टी से करना। हाँ, ये 19 वाला तो सिंपल है बेटा। यस सर। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 भी इजी है, सारे इजी क्वेश्चंस हैं लाइन में इस दर फर्स्ट पेज पे। तो और किसी को कुछ पूछना हो अभी इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे आ जाओ, 252 पेज नंबर पे। पलक सर कल हमने ज्वाइन करा था कोचिंग, तो सर आगे पीछे वाले तो नहीं पता, मगर कल आपने जो बताया तो वो आ गए। हाँ, वो तो
हालांकि अभी पीछे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ट्रांसवर्जल बेटा हमें एक्चुअली हर मतलब इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि हमें ब्रेक करने होते हैं ट्रायंगल्स, एक बन रहे होंगे कहीं पे टू होंगे कहीं पे थ्री होंगे, तो हमें ट्रायंगल्स के फॉर्म में ही देखना होता है। तो ट्रायंगल्स बन रहे होंगे या तो फिर टू पैरेलल लाइंस होंगी उसमें ट्रांसवर्जल जा रही होगी, ठीक है। उसी मेथड से सारे कराने हैं, अभी पढ़ लो फिर उसके बाद करा देते। तुम लोगों को कुछ पूछना है जल्दी बोलो भाई। 252 पेज नंबर पे, अच्छा 8th वाला क्वेश्चन और 7th वाला देखो जल्दी से। लिखा हुआ है द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 116 एंड देयर डिफरेंस, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो ये तो कर लोगे, एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री, तो एंगल वन और एंगल टू का सम क्या है 116 एंड देयर डिफरेंस दैट मींस एंगल वन माइनस एंगल टू इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू बना करके बेटा सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, और वन टू का जब आ जाएगा तो थ्री का भी निकाल लोगे जीवे में, 1 + 2 + 3 = 180, ठीक है। 180 फिर क्या लिखा है 8th वाला देखो, किसे नहीं आया 7th वाला। सेवेंथ वाले में सॉरी सेवेंथ वाला समझ में आ गया? आरुषि, यस सर, थोड़ा आरुषि, श्रेया, श्रेया, पलक, झलक, ठीक। सर सर एक आगे बार देखो 8th क्वेश्चन वाला, टाइप टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, क्या बेटा? सर 7th वाले में सर खुद से ट्राई करेंगे फिर देख। ठीक, मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ क्या करना है। देखो बोल रहा है सम ऑफ टू एंगल्स ना, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसको नेमिंग कर दी, ठीक है। उसको हो सकता है कि नेम कुछ भी कर सकते, क्यू आर तो वहां पर लिखा है एंगल ए और एंगल क्या है, और फिर बोल रहा है डिफरेंस क्या है। तो जब इसको ऐड करोगी ना इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, तो बेटा ये बी बी कैंसिल हो जाएगा और इसको ऐड करके जो आ जाए टू एंगल ए इज इक्वल टू क्या जाएगा 6 4 10 0 1 3 2 1 3 1 4 140 आ जाएगा। टू एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू 70 आ जाएगी, एंगल बी की निकाल लेना, एंगल सी की भी आ जाएगी। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के मेथड से, ठीक। ओके सर, अनुभव कर लिए ना तुमने सारे? बहुत सही है ही नहीं अनुभव तो। अंश, हैप्पी, यस सर, सर कर कर लिए लिए सारे, ना दोनों ने? यस बताओ यस सर, कैसे करेंगे? यस। कौन सा अरे यस नाइन्थ सर, यस सेवन सर, की एट? बताओ ये बताओ कैसे करेंगे। 8th वाला क्या लेट करेंगे या क्या करेंगे बताओ? टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, बोलो। स्क्रीन शेयर बता कर रहे हैं, दीजिए सर, वो क्वेश्चन दिखा रही है कर सर, देंगे सर, कर लेंगे, बुक में मिल रही है ना? अरे हो गया, बुक क्या है में लिखा हुआ क्वेश्चन? है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। और सेकंड थर्ड ग्रेटर है। यस सर, हुआ है एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम, उनसे कितना बिग है थर्ड एंगल? 18 डिग्री है ना ईच वन ऑफ देम, मतलब क्या हो गया एंगल पी प्लस 18, ठीक है। कैसे करोगे बताओ?
तो क्या हो जाएगा पता है, मान लो एंगल क्यू लेट बी एक्स, तो आर बी इक्वल होगा आर उसी। आरुषि सर, दो एंगल्स इक्वल है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर कितना हो जाएगा? एक्स डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स हो गया और एंगल पी क्या हो जाएगा? सर कोई ऑनलाइन देख रहा है? कौन देख रहा है भैया ये ऑनलाइन? लड्डू कहाँ ठीक है, फोटो डाल लेते ना, यही होगा हैप्पी, और कोई तो करेगा नहीं ऐसा काम। अब तीनों एंगल को ऐड कर दो तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी, ठीक है, हो जाएगा ना ये वाला भी। जानसी, संचिता, झलक, पलक, बोलो भाई। यस सर, गायब हो गए दो तीन। संजीता, पलक गायब। सर ये दोनों एक ही एरिया में रहती है ना, तो पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं है, है। क्या बेटा? वॉइस इज नॉट कमिंग। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आरुषि Now, sir, it is coming. Okay. अब बताओ कौन सा क्वेश्चन बताएं? नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, बोलो भाई। सर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। नाइन में लिखा ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। ठीक, ये लेट कर लिया एक्स, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, ये ट्वाइस है मतलब टू एक्स, और ये थ्राइस है तो 3x हो जाएगा। अब x plus 2x plus 3x is equal to 180, बोलो। yes, हो जाएगा, कितना आएगा आंसर? x plus 2x 3 3 6 6 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 मतलब एक 30, 32 जा 60, फिर 90, 60, 30, 90, 90, ठीक है, 30, 60, 90 आंसर आ रहा होगा, देखो जरा। हाँ ठीक आ रहा। यस सर, 30, 60, 90, यस सर। सही नहीं हो तुम लोग।
यस सर। पलक झलक जानसी। यस सर। यस सर। चलो आगे देखो, टेंथ वाले में लिखा, बोलते क्यों नहीं हो भाई तुम लोग, कितने क्वेश्चंस कर लिए तुम दोनों ने। तो वो एक्सरसाइज 8 का फर्स्ट पेज पे हैं अभी, कर रहे हैं क्या? तो कर रहे हैं अभी तो। क्या बेटा? एक्सरसाइज 8 के 252 पेज पे अभी हैं, कर रहे हैं। सर फीवर आ गया था। अरे तो हमें मालूम 252, मेरे सामने बुक ओपन है। 252 पेज पे कौन सा तुमने क्वेश्चन किया, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बोलो सर, कैन यू टेल क्वेश्चन नंबर 10? बेटा एक मिनट बता रहा हूँ। झलक तुम्हारे कितने होगा बेटा? सर हम लगा रहे थे, 6 तक हमने लगा लिए थे। उसके आगे झूल गई होंगी। दिखाया भी था 6 वाला। नहीं सर लगा रहे हैं, बैठे लगा रहे हैं, लगाएंगे। चलो टेंथ पे आओ। In a right angle triangle. One of the acute angles measure 53 degree. Find the measure of each angle of a triangle. अरे बेटा in a right angle triangle है ना अरुषि, अब आप बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। अरुषि? Yes sir. How we solve this question? Sir, acute angle का measure 53 है, तो एक उसकी 3 side में से एक side का 53 हो गया सर हमारा acute, और जो hypotenuse होगी वो हमारी 90 degree। Hypotenuse क्यों होगी? Sir, base है ना, base परपेंडिकुलर वाली लाइन पे जो एंगल बन रहा होगा बेस ऑफ परपेंडिकुलर वो होगा बेटा 90 डिग्री। ओके यस सर। अरुषि? यस सर। ओके नाउ वी विल नीड टू फाइंड द थर्ड एंगल। 53 प्लस 90 प्लस एंगल ए। अच्छा एंगल सी, ठीक है ये एंगल सी है। okay, इसको लेट कर लिया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये कितना हो गया 53 और 90 और 90। वैल्यू निकाल लोगे अब? आज वो नहीं आई हर्षिता? यस सर। आप ही मोबाइल से पूरा चल रहा ऑनलाइन। अभी हमें खुद ही सुबह ऑनलाइन ले रहे थे क्लास, खत्म हो गई बैटरी, फिर पढ़ाने चले गए। हेलो हाँ। अरे बच्चों बोला देखो बुरा इंसान। यस सर। अरुषि आ गया समझ में? राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल बेटा 90 हो जाएगा, सेकंड एंगल गिवन 53 डिग्री, देन वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल। यस सर। और बताओ अब झलक कहाँ गया वो भाई? पलक तुम्हारे मुंह से बेटा आवाज नहीं निकल रही आजकल, क्या हो गया? फिर से तबीयत खराब हो गई?
सर आप एक बार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बता दीजिए सर. अच्छा 5 और 6. हाँ सर हमने आपको एक क्वेश्चन भेजा था. कौन सा बेटा? सर व्हाट्सएप पे भेजा था. एक मिनट को देख लें. यस सर. एक मिनट देख लीजिए सर. और किसी ने कुछ भेजा? हाँ फिफ्थ और सिक्स बताना है. किसको पूछना है? सर आए आरुषि. ठीक ठीक ये क्वेश्चन बताएंगी झलक और कोई नहीं हेल्प करेगा. झलक बताओ. अच्छा ठीक बेटा वाला क्वेश्चन भी बता रहा हूँ मैं. अच्छा जो तुमने कल बोला था ना मेरे से. Yes, तो देख नहीं रहा है एक तो बड़ा जूम करके देखना पड़ रहा है. तुम मेरे को बता दो कहाँ पर क्या क्या है फिर मैं बता दूँ. अभी ब्लर है ना फिर बेटा बहुत इसलिए. ठीक है सर. ठीक है झलक. अरे पलक तबियत सही कर लो बेटा. खाया पिया करो कुछ. झलक झलक नहीं है क्या? देखो जानसी है तो झलक है वो कनेक्टिंग हो रहा है. फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताओ जरा. अच्छा 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 झलक फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताओ बेटा. बोलते ही नहीं हो तुम लोग गायब हो जाते हो. कौन बताएगा ये क्वेश्चन? किसने किसने किया? अच्छा आज मेरे को ये बताओ जरा. जानसी ने भी कर लिए. हाँ जानसी तुम बताओ. देखो किसी की आवाज नहीं निकलेगी ना तो फिर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछोगे तो बताऊंगा भी नहीं. जितना कहा करो उतना सुन लिया करो तुरंत. नहीं सुनाई दे रहा है. दोनों को नहीं सुनाई दे रहा ना? फिर ठीक है बेटा अब मैं बताऊंगा तुम लोग क्वेश्चन. रुक जाओ आरुषि. देखो कितनी क्वेश्चंस गिवन है बेटा. सर इसने बताया गया है कि एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 113 डिग्री एंड फाइंड ए बी एंड एंगल सी. एंगल ए एंड एंगल बी एंगल सी ठीक है. ठीक है दो इक्वेशंस दी हुई है ना एंगल ए एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना. बताओ क्या करेंगे इसमें? मतलब अभी तुमको मतलब इससे देख करके क्या समझ में आ रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस. सर पहले तो हम लोग जब फाइंड में बता रहे तो एंगल ए तो सर सम एंगल प्रॉपर्टी लगा के लगाएंगे सर. तो पहले एंगल ए 125 डिग्री थी सर. सर हम लोग धीरे धीरे बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. सर आपकी भी वॉइस नहीं आ रही है. हेलो. यस सर. सर इसमें बता रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से लगाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी. तो सर फिर हम सर ये चीज पूछना है कि एंगल ए प्लस बी गिवन 125 डिग्री है तो सर फिर आगे कैसे कंप्यूटर करना है? अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है. हाँ चलो क्या कह रही हो? हाँ झलक. हाँ सर.
क्या कह रही हो? अरे सर नीचे, अरे अभी कनेक्टिंग हो रहा था ना, नीचे गए थे बुक लेने। इसकी वैल्यू बेटा क्या एंगल है और एंगल बी की 125। हाँ 125 डिग्री सर। तो हमने रखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या रख दोगे, 125 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो चाहे हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको पहले निकाल लो या उस वाले को सॉल्व कर लो तो भी आप मतलब एक किसी भी एक चीज की वैल्यू पहले आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एक इक्वेशन से। सर इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी की भी दी गई है 113। हाँ तो हमने भी पहले बेटा ये वाली इक्वेशन ली ना जो पहले दी हुई है, मैं बोल तो रहा हूँ अगर उसको लोगे तो फिर किसकी वैल्यू आएगी, एंगल बी की आएगी। अभी किसकी आ रही है, एंगल सी की आ रही है ना, 180 माइनस 125 किया तो कितना आ जाएगा, फिफ्टी फाइव डिग्री। ठीक है, अब अच्छा ये देखो कि a प्लस बी की वैल्यू तो गिवन थी तो रख दी, अब क्या एंगल सी और एंगल a प्लस बी की वैल्यू आ गई तो अभी a और b की भी तो वैल्यू बाकी है, तो फालतू कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर। ठीक, अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन लिखोगे, क्या करोगे अब? अब सर एंगल ए प्लस एंगल सी के लेकर चलेंगे सेकंड इक्वेशन। संचिता संचिता आई नहीं लग रहा तब से। पलक बेटा बोला करो। नहीं आरुषि। यस सर। आ रहा समझ में? यस सर। ये सब जितनी भी कलाकार हैं सब तुम्हारे साथ पढ़ती हैं? सर जानशी और पूर्णा पढ़ती हैं और का पता नहीं मुझे। सर मैं जानशी और संचिता और पूर्णा पलक हैं बस। सर 67 आएगा। हाँ बेटा लिख दिया ही नीचे देखो। हाँ सर थैंक यू सर। वेलकम। झलक भी गाय अब झलक क्या भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आज। संचिता तो बस एंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो वही बन सम ऑफ ऑल एंगल्स निकाल लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज से निकाल के इक्वेशन में इक्वेशन टू करके। हाँ बस बस और कुछ नहीं करना है। साथ में
अब बताओ सर, आप क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11। If one angle of a triangle is equal to the sum of the other two, so that the triangle is right angle. हाँ, तो ये बताओ कैसे करेंगे? कौन बताएगा? जानसी, झलक, संचिता, पलक, 11th वाला लिखा है, one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles. ठीक है, मतलब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री, सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल. कैसे करेंगे? अनुभव? अनुभव तो है नहीं. हैप्पी अंश सर, देखिए मतलब एंगल, क्या चीज सर? देखिए उसमें दिया हुआ है ना सर, क्योंकि सर कोई भी एंगल हो सकता है, तो सर हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए सर ट्रायंगल है तो सर देखिए उसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी, फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस सी, फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए, ये हो जाएगा ऐसे? हमने क्या क्या बोल दिया? हमने भी हाँ यही किया था कि मतलब ABC हमने ले लिए, फिर एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री लेट कर लो या ABC के फॉर्म में रख दो, यही हमने बोला था. हाँ फिर आगे सर, हमने सर तीनों एक तो हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी. क्या चीज सर? हमने सर तीनों का निकाला था. अच्छा तीनों निकाले, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस सी और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस ए. हाँ ठीक, फिर सर एक मिनट सर देखो वर्क ऐसे करो कि हमको नोटबुक में तो ओपन करनी पड़े, हमें फिगर दिखे और थोड़ा सा मतलब दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा, बट आ जाए वो चीज. बार बार नोटबुक नहीं ओपन करनी चाहिए. आ गया सर, इसीलिए तो बुक नहीं है ये बोलिए, पूछ रहा हूँ. अच्छा बुक नहीं है तुम्हारे पास? हैप्पी तभी सर गूगल से क्वेश्चन निकाल रहे थे. हैप्पी नहीं है सर? ना लाया कहीं का, देख लो. है आ गया, तुम मारेंगे तुमको हम, गूगल से क्वेश्चन निकाल. अरे नहीं सर, कैसे करेंगे बताओ जल्दी से. हैप्पी, हैप्पी सुनते ही नहीं हो बात, पता नहीं कहाँ गायब. नहीं है क्या हैप्पी? देखो भाई, नहीं तो फिर मैं बताऊं. बोलो जानसी, आ रहा है बेटा समझ में? कैसे करोगे, कुछ आइडिया है? देखो थोड़ा थोड़ा सब लोग बताओ भाई, हम यही बोल रहे हैं, तुम लोगों से नहीं आएगी एक्सरसाइज, वरना तुम लोग सुन ही नहीं रहो मेरी बात. मत सुनो फिर. जानसी, झलक, क्या करना चाहिए हमको बताओ, कैसा मतलब बन रहा होगा सर? एक राइट एंगल होगा और बाकी टू के एक्यूट एंगल. देखो बताऊं, अरे बहुत सिंपल चीज है, तुम लोग नहीं सुनते हो भाई. किसने बोला है भाई ये राइट एंगल और एक्यूट? हमने. कुछ नहीं करना है, देखो मैं बता रहा हूँ. चलो स्पीकर को भी हटाते हैं, भी हम लोग बड़ा फिगर बना लेते हैं. देखना रूशि, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है? यस सर. ठीक, कुछ भी हो सकता है वो ट्रायंगल, ठीक है?
हालांकि ये नहीं हमको राइट एंगल प्रूफ करना है, तो वो ट्रायंगल कुछ भी था तो हमने केवल लेट कर लिया कि एंगल सर, हमने इक्वेशन ली थी ना एज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। हाँ बेटा सर हमें आ गया सर, हम बताएं क्या याला क्वेश्चन आ गया। देखो ठीक है, अरे रुको, ठीक कितना समझ में आया? यस सर। अब प्रॉपर्टी होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस मेथड से लेंथी चले जाओगे, कोई फायदा नहीं इतना लेंथी क्वेश्चंस करने थे, 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे भी नहीं है, ये 2-3 मार्क्स का होगा। इसी मेथड से करना इजी मेथड है। तो ब्रैकेट में लिख दोगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए गिवन है, ठीक है? तो एंगल ए और एंगल हो जाएगा बेटा 2 एंगल ए। भाई राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा? तभी होगा ना बेटा जब हम इसको एक मतलब किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दें, ठीक है रोशि? Yes, तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा 180 बाई 90 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ठीक है? यस सर। तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री मींस राइट एंगल, दैट्स व्हाई या सो दैट एंगल सॉरी ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक? यस सर। अब बताओ। यस सर। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं समझ में सभी के ना? यस सर। सभी लोग भाई देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब अच्छा 14th नंबर देखो। इन द गिवन फिगर साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड टू डी इफ एसीडी इज इक्वल टू 128 एबीसी इज इक्वल टू 43 फाइंड एंगल बीएसी एंड ए सी बी। कैसे फाइंड करोगे बेटा बता सकता है कोई मुझे? अरुषि थोड़ी सी मतलब प्रॉपर्टी देखो समझो, क्या कल मैंने बताई थी एक्सटीरियर एंगल वाली?